मुलजिमा कल्याणी की जमानत पटीशन से सुनवाई हो रही है। जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट में सुनवाई को लेकर सीबीआई ने इतराज प्रगट किया। सीबीआई के इतराज तो बाद बेंच बदलिया गया तो हुण मुड़ तो अर्जी पर सुनवाई हो रही है। तुहानू दस दी 2015 के सीपी सिद्धू कतल मामले में सीबीआई ने कुछ समय पहला ही मुलजिमा कल्याणी को गिरफ्तार किया। हालांकि परिवारक मैंबर 2015 तो ही इस कतल पिछे कल्याणी का हाथ दस रहे थे। नितिका महेश्वरी इस खबर से जानकारी दी सांझ पर नितिका किहड़े बेंच से सुनवाई कर रहे आखिरकार सीबीआई नूं क्यों खदशा सी कि बेंच बदल दिता जाए। बिल्कुल तुहानूं दस्सिए कि अज जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट के सुनवाई होनी है। दरअसल जस्टिस अनूप चितकारा को यह मामला जिहड़ा लग्या सीगा पर जस्टिस अनूप चितकारा वल्लों साफ तौर पर कह दिता गया सीगा कि किसी नूं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं जे मैं इस केस नूं सुनूंगा। तो जिस तों बाद सीबीआई वल्लों जिहड़ा ऑब्जेक्शन जाहिर किया गया ते नाल ही जे गल की जाए इस मामले जिहड़े कंप्लेनेंट ने यानी कि सिप्पी दे परिवार वल्लों जिहड़ा एफिडेविट नहीं दिता गया सीगा। यही कारण है कि बेंच बदल दिता गया है। नाल ही तुहानूं इह दस्सीए क्यों जस्टिस कह रहे ने कि कोई किसी नूं कोई ऑब्जेक्शन है तो दस दो, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। कल्याणी जिहड़े इस मामले के मुख आरोपी ने उन्होंने जिहड़े माता ने वह हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने, फिलहाल हिमाचल हाई कोर्ट च सिटिंग जज ने। यही कारण है कि जो बार बार सिप्पी का परिवार आरोप लगा रहा है कि वड्डी पोस्ट से जिहड़े ने कल्याणी के माता ने, तो यही कारण है कि केस नूं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यही कारण है कि जस्टिस अनूप चितकारा वालों पूछा गया सीगा। पर तुहानूं दस्सी कि अज फिर तो एक बार कल्याणी की बेल एप्लीकेशन से सुनवाई होगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, पर जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट के जी सुनवाई है वह होगी। देखना होगा कि कुछ दलीलां दित्तियां जांदियां ने, क्योंकि एक बार सीबीआई ने जी है अंडरएज रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, उसनों ही बेस जिहड़ा है वह कल्याणी के वकील बना रहे हैं, क्योंकि उन्हों का कहना है कि एकदम की होया 2020 अंडरएज रिपोर्ट फाइल करने वाली सीबीआई ने एकदम कल्याणी नूं अरेस्ट कर लिया। अजिही की प्रूफ जिहड़े ने वह कल्याणी के खिलाफ सीबीआई नूं मिले ने। जे गल की जाए सिप्पी का परिवार या फिर सीबीआई, वह कल्याणी की जमानत का विरोध कर रहे हैं। निचली अदालत से भी उन्होंने वालों विरोध किया गया सीगा कि हाई प्रोफाइल मामला है, तो नाल ही कल्याणी के माता जिहड़े ने वड्डी पोस्ट से ने। यही कारण है कि जिहड़ा वह सबूतों नाल छेड़छाड़ जिहड़ी है कल्याणी कर सकती है। नाल ही चंडीगढ़ पुलिस का भी उन्होंने वालों हवाला दिया गया सीगा कि शुरुआती जांच भी ठीक तरह नहीं हो पाई, क्योंकि कल्याणी के जिहड़े माता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज सीगे, ये भी उन्होंने वालों दलील जी वो दी गई थी, जिसके कारण निचली अदालत तो कल्याणी को कोई राहत जी नहीं मिली सी। पर हूँ देखना होगा कि अज हाईकोर्ट का की रुख रहा है। यह भी दस दिए कि बुड़ैल जेल के कल्याणी जी है वह बंद। बहुत शुक्रिया नितिका जानकारी दी सांझ पाउण लई। तुसीं लाइन ते बन रहे हो, अगली खबर ते वी असीं तुहाडे नाल जुड़न दी कोशिश करांगे।